We are doing chapter number 2, microorganisms. You know the world is full of living things that are too small to be seen with the unaided eyes. आपको पता है कि ये संसार इतनी छोटी चीज़ों से भरा हुआ है कि हम उनको unaided eyes मतलब बिना आँखों पर कुछ लगाए, जैसे लेंस लगाए या माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते. जिन ऑर्गेनिजम्स को हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. एज यू नो, माइक्रो मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल. इट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी वेरी स्मॉल. द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोब्स. बिफोर द माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड, नो बडी कुड सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकता था. दिस इज योर माइक्रोस्कोप. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 5 टाइप्स: बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस. मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कम्प्लीटली हार्मलेस. ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता. एंड सम आर इवन यूजफुल टू अस. और उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं. बट अ स्मॉल फ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं. दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजन्स. ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बीमारियाँ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पैथोजन्स का नाम दिया जाता है. वेन योर पेरेंट्स टेल यू टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, दे आर टेलिंग यू टू गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ का मतलब होता है हटाना, अपने हाथों से हटाना जर्म्स को. स्टिकिंग टू योर हैंड्स, तो जब आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि आप खाना खाने से पहले हाथ धो, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने हाथों से उन जर्म्स को हटाओ जो कि आपके हाथों पर चिपके हुए हैं. अपने हाथ धोकर आप उन जर्म्स को अपने हाथों से खाना खाने से पहले हटा लो ताकि वो खाने के साथ आपके अंदर ना जाएं. अब बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल्ड होता है. सिंगल सेल्ड का मीनिंग होता है सिंगल सेलुलर, यानी इसमें जो सारा काम है ऑर्गेनिज्म का वो एक सिंगल सेल करती है. जैसे घर में मम्मी के अगर 4 बच्चे हैं, अगर मम्मी सारा काम जो है वो एक ही बच्चे को दे दे तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर. अगर वही काम अगर चारों बच्चों में बांट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कि मल्टीसेलुलर. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब इसमें सारा काम जो है उसके अंदर एक सिंगल सेल ही करती है. बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो वायरस से बड़ा होता है. अब बैक्टीरिया जो है 3 मेन टाइप के होते हैं: रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्कवर किया था, ये आप देख सकते हैं, नाम लिखा गया है. अब इसमें फंगाई के बारे में पढ़ेंगे. सिंगुलर फंगस, ये शेप दिखाई गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया यू कैन सी, यीस्ट यू कैन सी ब्रेड मोल्ड, एंसिलियम, एस्परगिलस एट्सेट्रा. अब फंगाई आर यूनिसेलर, फंगाई भी यूनिसेलर होते हैं लेकिन ये मल्टीसेलर भी होते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, पेंसिलियम, एस्परगिलस. ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर फंगाई आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफाई. दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मटेरियल पे जीवित रहते हैं ये, वहीं से अपना फूड गेट करते हैं. तो वो फंगाई जो वेस्ट मटेरियल से अपना फूड गेट करते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. और ऑन इन द बॉडी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कोई दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं. तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स का नाम दिया जाता है.
एल्गाई, एल्गाई आल्सो यूनिसेलुलर नाम दिए गए हैं। दे आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर ऑल्सो, दे लिव इन वाटर। काई जो होती है वो एल्गे होती है जो पानी में पाई जाती है। नाउ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर हेटरोट्रॉफिक इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। द एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। अब वायरसेस की बात करते हैं जिसके बारे में आजकल आप सुन रहे हैं। वायरसेस जो होते हैं सिंगुलर वायरसेस, वायरसेस आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मच स्मॉलर देन अ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। दे आर नॉट सेल्स, डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, दे आर मेड ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मीन्स होता है जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज को या माता पिता के गुणों को बच्चों तक लेकर जाता है। ये प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, ये अपने आप दो से चार, चार से आठ नहीं हो सकते। इनके लिए इसको एक दे नीड टू एंटर अ लिविंग होस्ट सेल, वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। होस्ट सेल के बाहर जो वायरस होते हैं दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, का कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। दे नॉट फीड, ना तो कुछ खाते हैं बाहर लिविंग बॉडी से बाहर, ना रेस्पायर करते हैं, ना तो उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ना एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ना ही वो ग्रो करते हैं और ना ही वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये रहते कहाँ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे हवा में, पानी में, मिट्टी के अंदर, ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के ऊपर, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर भी पाए जा सकते हैं। इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स दीज आर ऑल्सो फाउंड, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग एंड इन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट मटीरियल पड़ा हुआ होता है प्लांट्स का या एनिमल वेस्ट, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव, सर्वाइव मीन होता है जीवित रहना, वो किसी भी टाइप के एनवायरमेंट के अंदर जीवित रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड ड्राई डेजर्ट्स, यानी वो हॉट क्लाइमेट के अंदर भी, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी, जहाँ स्प्रिंग सीजन है यानी जहाँ पे थोड़ा गीलापन है वहाँ पर भी, सब जगह ये मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब दलदल वाली जगह पर, जहाँ पे दलदल ज़मीन होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत यूज़फुल भी हैं। ह्यूमन बींग हैव बीन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ईयर्स, मनुष्य जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कर्ड, दही, ब्रेड, चीज़ एट्सेट्रा। इन एडिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज, इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत तरह से फ़ायदेमंद है। तो हम डिफरेंट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। अब ये लिस्ट बनी हुई है पूरी, इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल अल्कोहल को बनाने में, वाइन को बनाने में, विनेगर को बनाने में किया जाता है। विनेगर जो होता है, जो चाउमिन वगैरह में आप लोग खाते हो, एसिटिक एसिड होता है। इन एग्रीकल्चर में टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन।
आपने पढ़ा है कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स, लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं जैसे पीज, मटर, जिसमें बीज जो है कवर के अंदर बंद होते हैं, बीन्स के अंदर, तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल के उसको प्लांट्स के लिए यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन्स, दवाइयों को बनाने में जैसे एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, इन सीवेज ट्रीटमेंट में, एज अ सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो दीज आर यूज्ड।